जनाब हमारी दो बातें सुन लीजिए। और की बात ये है भाई, देखो ध्यान से सुनो भाई, आरएसएस सुनिए सुनिए, हमारे साथ जो भीतर ही है वो बता रहे हैं, हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, सुनिए बात कर रहे हैं, सुनिए सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उतना ही बोलिए मेरे सर, आरएसएस आतंकवाद जमुनापार में इतना ज्यादा पनप चुका है, जहाँ मुसलमान कम है उनको काट रहे हैं, और हम मुसलमानों ने कभी ऐसी बात नहीं करी, पूरे इलाके सेफ कर रखे हैं हमने, और हमने कहा किसी हिंदू पे जुल्म नहीं किया जाएगा, हमारे इलाके सेफ रहेंगे, और ये आरएसएस अमित शाह के कहने पे, बीजेपी सरकार के कहने पे, जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे, वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट सर, यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर, मैं आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ, दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर, हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर यहाँ पे सर, प्लीज वी आर नॉट सेफ देयर ओन होम सर, सर वी आर नॉट फाइटिंग विद द टू धार्मिक लोग सर, बट सर यहाँ पर अरे यार आए हैं ना, अरे HM साहब ने हमें भेजा है, तो हम अकेले थोड़ी आए, भाई PM साहब के हुक्म से आए, HM साहब के हुक्म से आए, पूरी उनको ये मोहतरमा को तो जाने दे रहा आराम से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिलहाल भोजपुर में मौजूद है, मैं इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे, लोगों के अंदर में एक जहती है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई 2-4-10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों कम्युनिटी के लोग सब लोग इसके साथ में वो हैं, और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है, और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है, ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि हर एक को महफूज रखे, हर एक की सलामती का की जिम्मेदारी ले, हम HM साहब ने इसका वो किया है, और HM साहब ने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हम सब जाए, और PM साहब और HM साहब की हुक्म के मुताबिक हम लोग उसकी तामील कर रहे हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन हो जाए, और इंशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा, यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई वो नहीं होगी, जो कुछ हो गया वो हो गया, कि यहाँ पर बिल्कुल शांति रहेगी, और हर एरिया के अंदर में अब कोई वो नहीं होगा, अब कोई
अब यह है कि मेरा मैसेज यही है कि हर एक आदमी जो अपने देश को प्यार करता है वो अपने समाज को भी प्यार करता है, वो अपने पड़ोसी को भी प्यार करता है, वो अपने घर को भी प्यार करता है। अगर उसे प्यार करना है तो उन्हें अपने उन सब लोगों के साथ में एक बड़ी एकता के साथ में, एक सहानुभूति के साथ में, एक समरसता के साथ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए और एक दूसरे की समस्याओं को बढ़ाने का नहीं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मोहल्ले में जिसे मुझे बताया गया कि सबसे ज्यादा वो थी और सबसे ज्यादा दुरावता जहां गोलियां चली, यहां पर मैं देख रहा हूं आज बिल्कुल अमन है, सब लोगों ने झंडे लगा रखे, सब लोग कह रहे हैं हमें शांति चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि बिल्कुल शांति होगी। आप जाके देखे लोगों से, ये घर के ऊपर जो लोग खड़े हैं यहाँ पर दीवारों के ऊपर, छत के ऊपर, कहीं किसी तरह का वायलेंस नहीं है।